हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी, फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर, ईजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ऑलमोस्ट हम लोगों ने रिडक्शन मेथड, इन्वर्शन मेथड हर चीज़ देख चुके हैं। अब हमें एक्सरसाइज 2.3 का वर्ड प्रॉब्लम देखना है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 का स्नैप या तो इमेज मैंने ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर रखा हुआ है। सो क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन बोल रहा है मेरा कि द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, 3 पेंस एंड 2 इरेजर इज 60 रुपीस। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, 4 पेंस एंड 6 इरेजर इज 90, वेयर इज द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल, 2 पेंस एंड 3 इरेजर इज 70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बाई यूजिंग मैट्राइसिस। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाई मैट्रिक्स, तो आइदर हमें इन्वर्शन मेथड करना है या तो रिडक्शन मेथड करना है। बट रिडक्शन मेथड हमारे इस साल के सिलेबस के लिए रिड्यूस किया गया है, बट मे बी नेक्स्ट ईयर से वो शायद यूजफुल होगा। बट आज हम लोग ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं बाई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, विच इज़ नथिंग बट पार्ट ऑफ अ रिडक्शन मेथड। तो उसका ही यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 4 पेंसिल, 3 पेंस एंड 2 इरेजर की कीमत क्या है, 60 रुपीज़ है। तो लेट्स कंसीडर पेंसिल प्राइस इज एक्स रुपीस। सिमिलरली पेन के लिए क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, वाई। एंड इरेजर के लिए क्या कंसिडर करेंगे, जेड। तो इस तरह से 4x प्लस 3y प्लस 2z की वैल्यू मिल रही है हमें 60 रुपीस। देखिए यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे z आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न से अगर हम लोग सेकेंड कंडीशन की बात करेंगे, तो 2x 4y 6z हमें मिलेगा। 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 70 रुपीस, सॉरी 70 नहीं 90 रुपीज़। वेयर इज 6 पेंसिल, 6x प्लस 2 पेन प्लस 3 इरेजर इज इक्वल टू 70 रुपीज़। ये 90 है, राइट, दिस इज 90। ओके, सो वी आर गेटिंग 3 इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, सेकेंड वन ये रहा और थर्ड वन ये रहा। इसी को हमें सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स, बाय मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आया कैसे इक्वेशन फॉर्म हो गए? अगर इक्वेशन कैसे फॉर्म हो गए समझ में आ गया होगा, तो अपन प्रॉब्लम की ओर जाते हैं, सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, सो इस तरह से हमें ये 3 इक्वेशन मिल गए हैं, और इन 3 इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। सो मैट्रिक्स के लिए हम लोग इसका मैट्रिक्स बनाना है, दैट इज़ 4, 3, 2। पहली रो में जो नंबर से कोएफिशिएंट है 4, 3, 2, फिर है 2, 4, 6, और उसके बाद है 6, 2, 3, और उसको क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे है हमारा एक्स वाई जेड, और विच इज़ इक्वल टू 60, 90, 70। ये बन गया है मेरा ए, ये मेरा एक्स, ये इक्वल टू बी। तो मेरे पास आ गया है ए एक्स इक्वल टू बी। अब ध्यान में रहे कि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो ट्रांसफॉर्मेशन से मैं ट्राई करूँगा कि किसी एक रो में, ट्रिक से इसके लिए इन वन रो वी हैव टू मेक
two zeros, and in second row we have to make 1 0. इसका मतलब किसी भी एक रो में मुझे 2 0 चाहिए और किसी एक में 1 0 चाहिए। अगर मैं इतना पार्ट कर लूँ तो मेरा प्रॉब्लम ईजीली सॉल्व हो जाएगा। दिस इज़ नथिंग बट रिडक्शन मेथड एक्चुअली। बट रिडक्शन मेथड अगर आप लोग लिखोगे वहाँ पे जो कि ओमिटेड पार्ट है, और फिर एग्ज़ाम में आप इसका सॉल्यूशन अगर रिडक्शन मेथड से करोगे तो मे बी वो ओमिटेड पार्ट है, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसके लिए डोंट वरी, इसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का नाम दीजिए और सॉल्व करिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अभी किसी भी तरह से 2 0 एक रो में और 1 0 एक रो में लाने की कोशिश करेंगे। मुझे 3 0 लाना है कैसे भी करके, तो उसके लिए बेस्ट वे है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 0 लाना है मतलब सेम नंबर से सेम नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पे इन दिस रो 1 ये 4 है और रो 2 की जगह पे 2 है। अगर मुझे 2 को 4 बनाना है, R2 के जगह पे जहाँ पे 2 है वहाँ पे मुझे 4 बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर उसके बाद R1 से उसको माइनस करना होगा। देख लीजिए, अगर R2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और फिर 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो मुझे 1 0 मिल जाएगा। तो उस हिसाब से अगर मैं चेंजेस करूँगा तो मुझे क्या मिलेंगे, देखो कौन कौन सेम रहेगा, R1 सेम रहेगी दैट इज़ 4 3 2, R3 सेम रहेगा दैट इज़ 6 2 3, यहाँ पे जो मेरा XYZ चल रहा था वो तो चल ही रहा है, और यहाँ पे भी कौन कौन सेम आएगा, ऊपर वाला दैट इज़ फर्स्ट रो 60 एंड लास्ट रो दैट इज़ 70। अब R2 में क्या चेंजेस होंगे वो देखना है हमें। तो R2 के लिए पहले मुझे R2 किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो मुझे इस पूरे इंटायर रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 से मल्टीप्लाई करते वो रो क्या बन जाएगा, 4 8 12, और उससे फिर R1 को माइनस करना है दैट इज़ 4 3 2, माइनस करते ही 4 में से 4 गया 0 आ जाएगा, 8 में से 3 गया 5 आ गया, और 12 में से 2 गया 10 आ गया, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 0 5 10। ये मिलते ही सेम चीज़ मुझे यहाँ पे परफॉर्म करनी है इसके लिए। तो यहाँ पे देखो मेरा R2 क्या था, 90 था, तो मुझे 90 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, जो कि 180 हो गया, और उसमें से R1 को मतलब 60 को माइनस करना है, ठीक है, 60 को माइनस करना है, तो ये मुझे मिल जाएगा 180 माइनस 60 दैट इज़ 120, दैट इज़ 120। समझ में आया कैसे किया? ओके, अगर ये समझा होगा तो हमें आगे का पार्ट समझ में आएगा, ठीक है। अब हमें 1 0 यहाँ पे मिल गया है, अब हमें क्या करना है, और 2 0 चाहिए, एक रो में 2 और एक रो में 1। तो एक काम करेंगे हम लोग इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। ये कहाँ पे है, R3 में है, तो R3 में चेंजेस लाना है हमें। क्या करना है, देखो यहाँ पे 6 है यहाँ पे 4 है, तो ऐसा कॉमन नंबर ढूंढो जो 6 और 4 में भी है, जिसको माइनस करते हैं मुझे 0 मिलना चाहिए। तो 4 के टेबल में आ जाता है 12, दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 12 होगा, और 6 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो R3 को मुझे किस से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, और फिर R1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, और उन दोनों का क्या करना है, माइनस करना है। अगर ये हो जाएगा तो देखो हमारा चेंजेस क्या होने वाला है, R3 होने वाला है, R3 फर्स्ट लिखा है मतलब R3 में चेंज होगा, तो R1 4 3 2 और R2 0 5 10 एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे मेरा XYZ और यहाँ पे आएगा मेरा 60 और ये आ गया मेरा 120। अब जो भी चेंजेस होने वाला है वहाँ पे मुझे लिखना है। तो अब 6 2 3
को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा 12, और फिर यहाँ पे 4, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 6, और यहाँ पे अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया R1 को तो यहाँ पे भी आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 6, और माइनस करेंगे तो ये बन गया मेरा 0, ये बन गया मेरा -5, और 6 -5 0, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 0 -5 और ये 0। सिमिलर वे से अगर मैंने यहाँ पे काम कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा, R3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 70 को किस से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो ये हो जाएगा 140, और फिर R1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, दैट इज़ हो जाएगा 180, और बीच में माइनस का साइन, तो ये हो गया मेरा -40, तो इधर आ जाएगा मेरा -40। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से जो मैंने कहा था ट्रिक्स के लिए, मैंने क्या कहा था कि 1 रो में मुझे कितने 0 बनाने हैं, 2, और 1 रो में कितना बनाना है, 1 बनाना है। तो देखो यहाँ पे 1 रो में 1 0 बन गया है और दूसरी रो में 2 0 बन गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या करना है हमें, तो हमने जैसा इक्वेशन के हिसाब से मैट्रिक्स को बनाया था, देखो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स को जिस तरह से बनाया था उसी मैट्रिक्स के हिसाब से हमको अभी इक्वेशंस को बनाना है। तो इस हिसाब से इक्वेशंस क्या बनेंगी, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 2z इज इक्वल टू 60 बनेगा। यहाँ पे 0x मतलब कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा, तो बचा मेरे पास 5, तो 5y प्लस 10z इक्वल टू बनेगा 120, और उसके बाद -5y इक्वल टू बनेगा -40। यहाँ पे x की वैल्यू और z की वैल्यू 0 बन जाएगी, इसके लिए लास्ट इक्वेशन में हमारे पास -5y इक्वल टू -40 ही आएगा। ठीक है, ओके। अब इस इक्वेशन को भी तो चाहे हम नाम दे सकते हैं, इसको नाम दे देते हैं 4th इक्वेशन, इसको दे देते हैं 5th इक्वेशन, इसको दे देते हैं 6th इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशंस दे दिए हमने, तो 6th इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, सो हमें मिल रहा है -5y इक्वल टू -40, ये माइनस माइनस गेट कैंसल्ड, विच इज़ इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 40/5 विच इज़ इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू हो गई मेरी 8। ये वैल्यू पुट करेंगे हम लोग पुट इनटू इक्वेशन 5, तो मुझे मिलेगा 5 y की जगह पे आ जाएगा 8 प्लस 10z इक्वल टू 120। अब ये 5 8 40 हो जाता है, तो 40 प्लस 10z इक्वल टू 120, ये 10z प्लस 40 यहाँ पे चल के माइनस हो जाएगा, दैट इज़ प्लस 120 माइनस 40 विच इज़ इक्वल टू 80। अब z की कीमत आ जाएगी 80/10 विच इज़ अगेन 8। सो यहाँ पे z भी मुझे 8 मिल रहा है और y भी मुझे 8 मिल रहा है। अब दोनों की वैल्यू पुट इनटू इक्वेशन 4, सो इस तरह से मुझे मिलेगा 4x प्लस 3x8 प्लस 2x8 इक्वल टू 60। 3 8 24, 2 8 16, टोटल मिला के हो जाएगा दैट इज़ 40 विच इज़ इक्वल टू 60 हो गया। ये 40 वहाँ पे अगेन शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 60 माइनस 40 विच इज़ इक्वल टू 20, इम्प्लाइज दैट x आ जाएगा मेरा 20/4 इज x इक्वल टू 5। तो इस तरह से x हमने मान लिया था पेंसिल को, तो पेंसिल की प्राइस बन गई है मेरी 5 रुपीज़।
और पेन की प्राइस बन गई है मेरी 8 रुपीज़ और इरेजर की प्राइस बन गई है मेरी 8 रुपीज़। समझ में आया? तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। आई होप कि ये प्रॉब्लम भी आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, फॉरवर्ड करो। धन्यवाद।